और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि बकरीद पर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और कुर्बानी एक निश्चित स्थान पर ही हो। आने वाले त्योहारों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए पहले से ही स्थान चिन्हित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं और कुर्बानी ना हो, विवादित और संवेदनशील स्थलों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो। इसके अलावा सीएम ने निर्देश दिए कि नमाज एक निर्धारित स्थल पर ही हो, सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज नहीं होनी चाहिए। और 17 जून को मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद का त्यौहार मनाएंगे। लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कानून के दायरे में रहकर कुर्बानी करने की अपील। जो लोग भी साहिब निसाब हैं वो कुर्बानी का ज़रूर अहतमाम करें और हमेशा की तरह सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। और ये भी अपील की गई है कि पब्लिक प्लेसेस पर, अवामी जगहों पर कुर्बानी ना की जाए, गली में या सड़क पर कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो लोगों के बड़े अगर घर हैं या जो बड़े मदरसे हैं, जो स्लॉटर हाउसेज हैं, वहीं पर सिर्फ कुर्बानी की जाए।